हाय एवरीवन, माय नेम इज विकास राउत। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल प्राइम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फीचर्स के बारे में, बेसिक एलिमेंट के बारे में। तो ये वीडियो बेसिकली बिगनर्स के लिए है, राइट? तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एप्लीकेशन जो है ओपन करके रखा हुआ है, राइट? तो आप सबको पता ही है फ्रेंड्स, यहाँ जो बुक टू लिखा हुआ है, इसे जो है हम टाइटल बार कहते हैं। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, कू टूल्स प्लस, यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। ज्यादा हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। डेवलपर्स, कू टूल्स प्लस और यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, ये थ्री जो है मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल टूल्स मैंने इंसर्ट किए हुए हैं इसमें। इस वजह से ये जो है टैब यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार्स जो है ये हमारे पास, मुझे इस एप्लीकेशन में दिख रहे हैं। डेवलपर्स, जहां तक बात डेवलपर्स की है, तो डेवलपर्स इनबिल्ट ही होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आपको पता नहीं है कि इस डेवलपर टूल बार को कैसे यहाँ पर शो कराना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली करना कुछ नहीं, आपको क्लिक करना है फाइल पे। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आप एडवांस पर क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप, सॉरी, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके राइट साइड में यहाँ पर आपको दिखता है डेवलपर। अगर ये अनचेक है आपका, अगर आप इसे चेक करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे चेक कर दिया, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर ये जो है डेवलपर दिख रहा है, राइट? अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ओके किया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर जो है हट गया, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पर से ये हट जाता है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ऐसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आ रहा है, आपके पास डेवलपर टूल नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर फाइल पर जाओ। फाइल पर जाने के बाद आप ऑप्शंस पर जाओ। ऑप्शंस में जैसे आप क्लिक करते हो तो ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, यहाँ पर एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फिर आप कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करो, और उसके बाद ये डेवलपर टूल को जो है ऑप्शन को आप चेकबॉक्स कर दो, इनेबल चेकबॉक्स कर दो और ओके पर क्लिक कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपर आ गया है, राइट? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक फीचर्स के बारे में फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेम नेम बॉक्स है यहाँ पर, और ये जो है फॉर्मूला बार है। तो एक्सेल की फीचर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि आप जिस भी एलिमेंट पर आप माउस को ले जाकर के थोड़ी देर छोड़ते हो, तो ये उसके बारे में थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बी पर मैंने ले जाकर के माउस को जो है छोड़ा, आप देख सकते हो यहाँ पर बी जो है बोल्ड लिख रहा है। कंट्रोल बी अगर हमारा शॉर्टकट की है, कंट्रोल बी अगर हम करते हैं, तो ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, राइट? उसी तरह से किसी भी एलिमेंट पर आप लेकर के जाओ, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेशन आपको शो करता है, राइट? तो जैसे कि हम आप बात जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर ये जो अल्फाबेटिकल लेटर्स है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी, ये है कॉलम्स, इसे हम कॉलम्स कहते हैं। ये ए बी सी एंड तक जो भी है अपना, ये है कॉलम्स। और यहाँ पर नंबरिंग्स जो है 1 2 3 4 5 6, इसे हम कहते हैं रो, राइट? इसे हम रो कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में होम के बारे में बात करूंगा, होम टैब के बारे में। और होम टैब में यहाँ पर जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेशन एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर फॉन्ट, फॉन्ट में भी बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार्स हैं। फिर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स हैं। फिर नंबर है, नंबर में भी बहुत सारे, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। तो एक एक करके हम इस सारे फॉर्मेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है हर एलिमेंट्स को कवर करना, राइट? तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेल के बारे में, राइट? मैं बता दूं, ये जो नेम बॉक्स है, आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करोगे तो इस सेल का नेम यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा, राइट? मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो I6, तो यहाँ पर देख सकते हो आप I6, और कुछ भी इसमें टाइप करोगे तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला बार में यहाँ पर दिखाई देता है, राइट? जैसे कि आप कुछ भी टाइप करो तो ये सेल में दिखाई देता है और यहाँ पर भी दिखाई देता है, राइट? तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस तरह से ये काम करता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेल में अपना नाम लिख देता हूँ, VIKASH, विकास, RAUT, RAUT, विकास राव। फ्रेंड्स, मैंने अपना नेम तो लिखा, बट ये ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर टोटल बॉक्स का जो विड्थ है उससे ओवरलैप कर रहा है। तो आप इसे सेट कैसे कर सकते हो? तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको कॉर्नर में जाकर के यहाँ पर जब
जो है एक ही लाइन नेक्स्ट अलाइनमेंट पर जो है ये यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली ये सेल को बॉक्स के अंदर में एडजस्ट कर देता है। ये था पहला इंटरेस्टिंग टूल राइट फीचर। और फिर उसके बाद अगर मान के चलिए आपको ये क्लिपबोर्ड में कुछ फीचर्स यूज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप पेस्ट देख रहे हो, ये जो है अभी डिजेबल्ड है, तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी, और कॉपी करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी राइट। तो आप जैसे ही इसे कंट्रोल सी प्रेस करते हो तो ये कॉपी हो जाता है राइट, और कॉपी होते ही यहाँ पर पेस्ट जो है ये हाईलाइट हो जाता है। तो आपको जहां भी अगर पेस्ट करना है उस सेल को सेलेक्ट करो और इस पर क्लिक कर दो। तो मुझे यहाँ पेस्ट करना है इस टेक्स्ट को, तो यहाँ पर सेल को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। तो फिर उस तरह से मैं यहाँ पर इस पे कॉर्नर में जाकर के डबल क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इस सेल को जो है टेक्स्ट के अंदर बॉक्स के अंदर जो है इस टेक्स्ट को ये एडजस्ट कर लेता है राइट। उसी तरह से है कॉपी, कट और कॉपी। तो यहां पर कॉपी और कट में फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और उसका डुप्लीकेट बनाते हैं पे, और कट करने के लिए फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को यहां से रिमूव करके दूसरे प्लेस में ले जाना, उसे हम कहते हैं कट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ए से इसे कंट्रोल एक्स अगर प्रेस करता हूं तो ये कट का शॉर्टकट की है राइट। और फिर उसके बाद मैं एफ में एफ कॉलम में ले जाकर के इसे पेस्ट कर देता हूं, तो पेस्ट करते ही जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेस्ट का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो ये पेस्ट हो गया, यानी कि ए कॉलम से हट करके ये एफ कॉलम में फर्स्ट रो पर अपियर हो गया राइट। उसी तरह से है हमारा कॉपी का टू डिफरेंट एलिमेंट, कॉपी कॉपी एज पिक्चर। तो कॉपी का मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, सिंपली आप कंट्रोल सी प्रेस करो और फिर यहाँ पर आप जाकर के किसी भी सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस कर दो, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी और पेस्ट यहाँ पर आप समझ गए राइट। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कॉपी का, कॉपी एज अ पिक्चर राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी एज अ पिक्चर, कॉपी एज अ पिक्चर का एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज देखिए, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आपको, उसमें बहुत सारे जो है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हुआ है। तो वीडियोस जो है उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, आप जाइए और उस वीडियो को डेफिनेटली देखिए। बट फिर भी मैं यहाँ पर एक सिंपल सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ राइट। आप सिंपली क्या करो, इन तीनों सेल को आप सेलेक्ट कर लो, तीनों टेक्स्ट को, और कुछ रेंज यहाँ पर भी जो है सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर इसे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ ड्रैग करके, ये कैसे आया फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको इस सेल में और इस सेल में भी यही टेक्स्ट चाहिए, तो आप बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करो और फिर कॉर्नर में यहाँ पर पकड़ के आप सिंपली माउस से इसे ड्रैग कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये सारे सेल में जो है अपियर हो जाएगा। और फिर डबल क्लिक कर दो एट द एंड में कॉर्नर पर, ये सेल को सेल के अंदर खुद ब खुद टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेगा। और फिर उसके बाद आप सिंपली इस सेल को पूरे रेंज को सेलेक्ट करो और फिर ड्रैग कर दो इधर नीचे राइट। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स इतने सारे जो है नेम जो है कॉपी हो गए ऑटोमेटिकली राइट। तो ये एक शॉर्टकट वे था काम करने का राइट। तो अगर मुझे मान लीजिए कॉपी एज अ पिक्चर करना है तो मैं कॉपी एज अ पिक्चर पर क्लिक कर देता हूँ, पहले सेल को आपको सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद कॉपी एज अ पिक्चर पर क्लिक कर दो आप। और कॉपी एज अ पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है एज अ सोन ऑन स्क्रीन, तो जिस तरह से स्क्रीन पर दिख रहा है मुझे उसी तरह से चाहिए, तो राइट मैं इसे ओके क्लिक कर देता हूँ। और फिर उसके बाद इस सेल को कहीं भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके और उसके बाद पेस्ट जो है यहाँ पर पेस्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही पेस्ट पर क्लिक किया मैंने, आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो सारे टेक्स्ट कॉपी हो गए। तो ये एज अ पिक्चर यहाँ पर इसने कॉपी किया है और पेस्ट किया है, अब इसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे डिलीट प्रेस करके इसे डिलीट कर देता हूँ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कॉपी एज अ पिक्चर का। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग पेंटर के बारे में, फॉर्मेट पेंटर के बारे में फ्रेंड्स। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करने से पहले कुछ टेक्स्ट और एलिमेंट्स को मैं कलर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर जा करके इसका बैकग्राउंड जो है मैं ग्रीन कर देता हूँ और टेक्स्ट जो है रेड कर देता हूँ राइट। फिर उसके बाद मैं इस सारे रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देता हूँ।
तो आप जैसे ही देख सकते हो, जैसे मैंने सेलेक्ट करके और फॉर्मेट विंडो को क्लिक किया, तो आप देख सकते हो एक छोटा सा ब्रश का आइकन जो है माउस के साथ अटैच हो गया है, कर्सर के साथ अटैच हो गया है, राइट। और फिर जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करके किसी भी मतलब कि टेक्स्ट को आप अगर मान लीजिए सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कराना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर दो, तो उस सारे सेल के रेंज को इसने सेम टू सेम उसी तरह से कन्वर्ट कर दिया। यही कंडीशनल जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर इसने अप्लाई कर दिया फॉर्मेट एज ए प्रिंटर। तो ये अब फिर उसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसने एक ही बार जो है हमने इसे सेलेक्ट किया था। अगर मान लीजिए मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स को सेम फॉर्मेटिंग देना है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो सिंपली ये भी बहुत ईजी है, सिंपली इस सेल को आप सेलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद आप इस सेल पर क्लिक करो, फिर इस सेल पर क्लिक करो, फिर इस सेल पर क्लिक करो, जितने भी सेल को आप फॉर्मेट करना चाहते हो उतने सेल का ये ऑटोमेटिकली जो है ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाते हैं, राइट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो है सॉरी फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने कुछ एम्प्टी सेल्स पर भी मैंने ये अप्लाई कर दिया है, और फिर अब उसके बाद मैं इन पर भी अगर कोई भी टेक्स्ट टाइप करता हूं तो वो भी रेड कलर में ही आएगा। फ्रेंड्स देखिए कुछ भी मैं टाइप करूंगा तो ये रेड कलर में ही आएगा, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली करना नहीं, अगर मान लीजिए इन सारे चीजों को आपको डिलीट करना है, सारे टेक्स्ट को अगर ये रिमूव करना है, तो आपको सिंपली करना है सेलेक्ट और डिलीट प्रेस कर दीजिए आप, और फिर उसके बाद यहाँ कलर में जा करके आप इसे व्हाइट कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है सारे सेल्स में से ये रिमूव हो गया, जितने भी सेल्स में आपने वर्कआउट किया था, राइट। अब मैं बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फॉन्ट के बारे में, तो मान लीजिए मैंने इतने सेल्स को जो है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लाइन नहीं दिख रहे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे बॉर्डर देना है, तो इतने रेंज को आप सेलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद यहाँ जो है इस आइकन पर बॉर्डर पर आप क्लिक करो। ड्रॉप डाउन में यहाँ पर आपके नंबर्स ऑफ ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दो। ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक जैसे ही आप करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो है हाईलाइट कर दिया, कुछ बॉर्डर्स यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, राइट, विकास राउत। और फिर टाइप करने के बाद देख लीजिए आप यहाँ पर जो है ये लाइन जो है ये रिमूव हो गया, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है लाइन को टच कर रहा है, तो मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक करके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसने सेल के अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट कर दिया, राइट। अब मान लीजिए इस ये जो है हमारा फॉन्ट एलिमेंट, इसमें जितने भी फॉर्मेटिंग टूल बार है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अभी टेक्स्ट जो है टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग है ये कैलिब्री है, राइट। तो मैं चाहता हूं दूसरा कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लूं, तो आप ड्रॉप डाउन में कोई भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट को फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो ये फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, एडोब फैन हेटी समथिंग है ये, राइट। और फिर उसके बाद मान लीजिए आपको उसे बोल्ड करना है, तो आप सिंपली इसे बोल्ड पर क्लिक कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा, राइट। और इसे इटैलिक करना है तो आप इटैलिक भी कर सकते हो, फिर अंडरलाइन भी कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर जो है डबल अंडरलाइन भी यहाँ पर आप कर सकते हो। फिर अगर इन केस मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये तीन फॉर्मेटिंग तो बता दिए, फिर उसके बाद टेक्स्ट का अगर मान लीजिए आपको जो है साइजेस चेंज करने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर साइजेस फॉन्ट साइज जो है चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। मैं 24 कर देता हूँ और फिर यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ, तो फिर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसने जो है एडजस्ट कर लिया खुद ब खुद, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब उसके बाद इसको सेल को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ से भी टेक्स्ट को आप मतलब कि साइज को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो आप टेक्स्ट का साइज जो है इंक्रीज होगा, और यहाँ स्मॉल ए पर आइकन पर क्लिक करते हो तो ये साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद मान लीजिए फ्रेंड्स आपको इसके बैकग्राउंड में कलर देना, तो बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ पर जो है ये जो बकेट का आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है, और कोई भी कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो।
बट ये जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा, बट ये टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करेगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आपको जाना होगा ये इस ऑप्शन में, फॉन्ट कलर के ऑप्शन में, यहाँ पर आप सेलेक्ट करो और फिर उसके बाद सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर किसी भी कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। उस तरह से आपका टेक्स्ट का जो है ये कलर चेंज होता है। तो ये फ्रेंड्स था बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टू डिफरेंट एलिमेंट, मैंने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट जो है यहाँ पर कवर किए हैं होम टैब के। तो आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, राइट? तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अलाइनमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट अलाइनमेंट के बारे में। तो अलाइनमेंट में फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मान लीजिए मैं ये सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट? यहाँ से आप ड्रैग करके इसे बड़ा कर सकते हो और यहाँ पर अलाइनमेंट सेट करना है मुझे। तो मैं चाहता हूँ ये जो है टॉप पे, अभी बॉटम में है, ये टॉप पे चला जाए। तो मैं यहाँ पर जा करके टॉप अलाइनमेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली टॉप पे चला जाएगा। मैं सेंटर में आपको करना है तो सेंटर कर सकते हो, बॉटम अप करना चाहते हो तो बॉटम कर सकते हो, राइट? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर विड्थ थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, राइट? और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपको जो है अभी ये जो है यहाँ पर कंप्लीटली लेफ्ट अलाइनमेंट है, अब आप सेंटर पर क्लिक करना करोगे तो अब ये सेंटर हो जाएगा, राइट क्लिक करोगे तो राइट पे हो जाएगा और सेंटर में करोगे यहाँ पर टॉप में तो ऊपर सेंटर में हो जाएगा, यहाँ पर भी आप सेंटर में क्लिक करोगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, कंप्लीटली सेंटर पर फिट हो जाएगा ये, राइट? अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपको इसे रोटेट करना है, टेक्स्ट को रोटेशन, टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं आप यहाँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा ये ओरिएंटेशन ऑप्शंस में, आप यहाँ पर क्लिक करो और मान लीजिए अलाइनमेंट जो है काउंटर क्लॉकवाइज, आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्स्ट जो है इस तरह से कुछ फॉर्मेट हो जाता है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर है एंगल क्लॉकवाइज करना है तो ये कुछ इस तरह से होता है, राइट? अगर मुझे मान लीजिए वर्टिकली टेक्स्ट, तो अगर मान लीजिए मुझे वर्टिकली कराना तो मैं यहाँ पर वर्टिकली अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये कुछ इस तरह से जो है टेक्स्ट मतलब कि अपियर होता है। तो मैं साइज को डिक्रीज करता हूँ तो ये पूरा नेम अपियर हो जाएगा, राइट? यहाँ पर इस तरह से मैं मान लीजिए रोटेट टेक्स्ट अप, तो इस तरह से ये अपियर होते जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको इस तरह से अगर टेक्स्ट को रोटेशन करना है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर सकते हो। तो ओरिजिनल प्रॉपर वे में इसको डिस्प्ले कराने के लिए मैं इसे 90 डिग्री पर कर देता हूँ यहाँ पर, राइट? इसको सेम यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसे इस तरह से 0 कर सकते हो और इस पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली जो है ये टेक्स्ट प्रॉपर वे में जो है अपियर हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर, राइट? तो फ्रेंड्स अब आप हम बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट के बारे में, राइट? तो आप यहाँ जो है इस सेल को सेलेक्ट करके अगर मान लीजिए यहाँ पर आप डिक्रीज इंटेंट पर क्लिक करते हो तो टेक्स्ट जो है थोड़ा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, राइट? यहाँ पर अगर मान लीजिए इस सेल को आप थोड़ा सा डिक्रीज कर दो साइज, तो ये जो है आप इस पर क्लिक करो तो ये टेक्स्ट उस साइड में जाता है, इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एंड पॉइंट पर है। अगर मान लीजिए मैं इंक्रीज इंटेंट पर क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट को आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं टेक्स्ट का कलर जो है चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो, राइट? अब इंक्रीज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो टेक्स्ट जो है यहाँ पर आ गया है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये जो है बी और सी के कॉलम के बीच में आ गया है यहाँ पर, बट ये है टेक्स्ट ऑलरेडी ए कॉलम के सेल नंबर 1 में ही, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं बी यहाँ यहाँ पर अगर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ फॉर्मूला बार में आप देखोगे कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, वही मैं ए में सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा नेम डिस्प्ले करेगा, राइट? तो इस तरह से हम इंक्रीज और डिक्रीज तो कर सकते हैं, बट इसे जो है हम ये कब यूज कर सकते हैं, अगर आप किसी सेल को मर्ज करते हो तब ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये सेल मर्ज हो जाएगा, ये ए बी सी डी ई सारे मर्ज होकर के एक सेल बन जाएंगे, राइट? आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और फिर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को जो है अनमर्ज कर देता हूँ, इस सेल को मैं अनमर्ज कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कंप्लीटली इसने जो है उसमें इस सेल को जो है फिर से ए कॉलम में
ए कॉलम में फर्स्ट रो में ला करके ये उसने रख दिया, राइट। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स आता है रैप टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहां पर अपना नाम KUMAR ऐड कर देता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है, मैं चाहता हूं कि सेल का साइज ना इंक्रीज करके मेरा सेल का साइज इतना ही रहे और ये सारे टेक्स्ट जो है इसी सेल में जो है एडजस्ट हो जाए। तो उससे क्या हम कैसे कर सकते, तो आप इस सेल को सेलेक्ट कीजिए और रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे टेक्स्ट जो है यहाँ पर इसी सेल में एडजस्ट हो गया। आपको विड्थ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारे बेसिक्स नॉलेज मिले होंगे। बट फ्रेंड्स इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना मुश्किल है, राइट। एक वीडियो में ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली डिलीवर नहीं हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली और सारे फीचर्स को ऐड करके और भी सारे एलिमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो मीनवाइल अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू डिजिटल प्राइम। थैंक